जल्दी से बता दीजिएगा इफ द वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरी वन और नॉट एक मिनट गाइस जस्ट वन सेकेंड Let me just put it on the loop and then we are going to be starting. नमस्ते 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 गाइज नमस्ते 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 ऑल ऑफ यू वेलकम जी वेलकम नमस्ते 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 सभी लोगों का स्वागत है भाई परफेक्टली ऑडिबल तो भाई देखिए एग्जाम जो है वो आपका कैसा रहा है एक बार जल्दी से बता दें भैया आपका कैसा रहा है एक बार जल्दी से बताएंगे फटाफट से तेजी के साथ में लोग एंड देन वी आर गोइंग टू गो फॉर आंसर की माइंड यू एक से पचास क्वेश्चन जो है वो मैं कराएंगे इसके बाद में शाबास्टर फिफ्टी वन से लेकर आपके हंड्रेड क्वेश्चन तक आ, आपके शाबाश सर कराने वाले हैं नमस्ते नमस्ते शफाली नमस्ते बेटा हेलो कंचन आ, आ, हेलो शरद हेलो मानसी ऑल ऑफ यू गाईज आर वेलकम नमस्ते 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 ऑल ऑफ यू गाईज आर वेलकम जी नमस्ते 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 सभी लोग का स्वागत है भाई ठीक है तो इन टूडेज सेशन जैसा कि आपको पता है कोई उधर उधर पंचायत नहीं फटाफट से वी हैव ब्रॉड द आंसर्स फॉर यू एंड वी हैव टेकन आउट आवर स्वीट टाइम टू मेक श्योर की आपके आंसर जो है वो एक्यूरेट रहे करेक्ट बात है एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट की जो भी आंसर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट एक्यूरेट आंसर करेक्ट तो विदाउट एनी फर्दर हडो भैया शुरुआत करते हैं हेलो सुब्रत नमस्ते जय श्री महाकाल गाइज फटाफट से फटाफट से लेट्स कीप स्टार्टिंग राइट कैसा था ये ना पूछो करेक्ट बात है आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल हैिगार्डिंग दिस की पेपर जो है वो किस तरीके का रहा है करेक्ट है आई डू अंडरस्टैंड दैट द पेपर वॉज अ बिट बिट ट्रिकी देर इज नो डाउट अबाउट दैट इसमें कोई सेकेंड थॉट्स जो है वो नहीं है चलिए अब अपन फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं गाइस। लेट स्टार्ट विथ इट द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका A sues no uh, si B for compensation on account of trespass. B holds a promissory note of rupees fifty thousand from A under Order Eight Rule Six of the Code of Civil Procedure to set off that amount of rupees fifty thousand from any sum to be recovered from A in the suit. B can he claim और कैन वी नॉट क्लेम आंसर इज वी कैन क्लेम बिकॉज एज डेफिनेट एजवर्सरी डिमांड्स पहले का आंसर आपका सी होगा दूसरे का क्वेश्चन देखिए विच ऑफ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नोटिस नोटिस को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है तो देखिएगा नोटिस को लेकर आपका इफ द डिफेंडेंट आर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दैन इट इज नेसेसरी टू स्टेट द नेम डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ ऑल द डिफेंडेंट दूसरे का आंसर आपका सी होगा तीसरा क्वेश्चन आपका विच ऑफ दिलेशन ऑफ सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो आपका आंसर होगा ए लेट्स इन पोजेशन ऑफ इज एसेंट करेक्ट है ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किया हुआ था वी आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन आपका सी होगा

आपको सेक्शन नंबर में कोर्ट की पावर्स आपको देखने को मिलती है करेक्ट बात है सेक्शन 39 में ट्रांसफरी कोर्ट है उनको पावर्स दी गई हैं करेक्ट बात है 50 uh, 42 के अंदर तो उनको क्या क्या पावर दी गई है दे कैन सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन दे कैन एक्सिक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द एलआर आल्सो एंड दे इवन द पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री इज अ पावर नॉट गिवन अगर आप सेक्शन नंबर फोर्टी टू का एक्सप्लेनेशन देखेंगे वहां पर भी ये बात वेरी क्लियरली लिख दी गई है कि दिस इज द पावर विच इज नॉट गिवन अपॉन दम विच ऑफ दसिस इज रिलेटिंग टू आर्टिकल टू सेवनटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू का स्कोप इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आंसर विल बी एना मैथ्यूज वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ

का होगा क्वेश्चन नंबर एट का आंसर होगा सी द क्लाइंट सीज टू इज एडवोकेट दैट ही विशेष टू ऑप्टेन प्रोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विल ऑन विच ई रिक्वेस्ट टू सू एक इलीगल एक्ट करवाने की बात कर रहा है करेक्ट है राइट तो यू कैन नॉट बी अ प्रिवी टू दैट यहां पर आपका अटोर्नी क्लाइंट प्रिविलेज जो है वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है Here, पहली दोनों पहली दोनों सिचुएशन देखेंगे वहाँ पर क्लाइंट प्रिविलेज आपको मिल रहा है पूछा गया है कहां पर 126 का प्रोटेक्शन नहीं मिलता जब कोई व्यक्ति कोई, कोई बोलता है क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर क्या बताया गया विच ऑफ देंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ रूल फोर्टी थ्री रेड विथ रूल नंबर सिक्सटी एट करेक्ट है रूल फोर्टी थ्री में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है करेक्ट बात है Uh, अब ये बोल रहे हैं आपसे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके रिलेशन में करेक्ट नहीं होगा राइट right? तो अगर आप देखेंगे नाइन्थ के अंदर द फोर्थ पॉइंट द सेल ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी शाल नॉट टेक प्लेस अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ एटलीस्ट वन मंथ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन हैज बीन अफिक्सड ऑन द दिकॉर्ड नाउ दिस आंसर विल बी नो आर वी क्लियर अबाउट इट आपसे पूछा गया क्या करेक्ट नहीं है ये करेक्ट नहीं अगर आप मुझसे इसका इसका एग्जैक्ट आंसर पूछोगे तो रूल 68 में क्लियर का स्पेसिफाई किया हुआ है रूल 43 की प्रॉपर्टी छोड़कर रूल 43 की प्रॉपर्टीज को छोड़कर बाकी सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टी तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 15 दिन के अंदर और मूवेबल प्रॉपर्टी जो है करेक्ट बात है 7 uh, डेज के अंदर

सिविल प्रोसीजर कोड ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है करेक्ट बात है और अगर लिस्ट में भी देखेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंट्री नंबर थर्टीन आपको देखने को मिल जाएगी इन योर लिस्ट थ्री कॉन्करेंट लिस्ट आर वी क्लियर राइट मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ऑल लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये सब हो गए ये सब आपके क्या होंगे ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स विल बी आ, आपकी इमूवे वो वो जितनी भी पर्टिकुलर चीजें रहेंगी वो आपकी क्या मानी जाएंगी दे आर गोइंग टू बी कंस्ट्रूड एज जो लॉज हो गए सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर वो आपके आ, ये माने जाते हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आपका क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया भाई दस तक हो गया ग्यारहवें क्वेश्चन पर आ रहे हैं

परिणाम क्या होगा श्योरिटी इस एग्जाम्पल के परिस्थिति में डिस्चार्ज हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन नंबर वन या थ्री के अंदर आपको यह परिस्थिति बताई गई है बट एग्जाम्पल में वेरी क्लियरली दिस इज गिवन अगर आप इन सर्च करेंगे तो आई थिंक लास्ट इलास्टेशन आपका यही वाला आपको देखने को तो मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12 ए अ डिग्री अगेंस्ट बी फॉर ₹25000 एवरीवन इज के A जाएगा कि फॉर माना ट्वेंटी राइट right? तो आपको याद रखना है इसको आपका क्रॉस डिक्री नहीं माना जाएगा और मैं इसका आपको रेफरेंस भी बता देता हूं कुछ चीजों के मैं रेफरेंस भी आप क्लो के लिए लेकर आया हूं अगर आप ऑर्डर ट्वेंटी वन का रूल नंबर एटीन देखोगे

करेक्ट है उन्होंने सिर्फ इलस्ट्रेशन में भी क्या किया हुआ है सिर्फ पार्टीज के नाम बदल दिए वो सारे में मैं आपको कर रहा हूं अगर आप जब जाकर रीड करोगे और मैं आप के लिए इसीलिए जो है वो मैंने आराम से बैठकर बनाई दे है आगे की तरफ देखिएगा uh, कि आपसे पूछा जा रहा है right. uh, कुछ कुछ तो आपने कराया भी था यस एबसोल्यूटली राइट

के अंदर आपको इसका आंसर सबसेक्शन अगर मैं इसका एक्जैक्टली exactly बोल दूं तो ट्वेंटी वन के सबसेक्शन फोर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला

किसके पास रहता है मॉड गेजर के पास में रहता है करेक्ट बात है आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग थ्रू आंसर्स बेटा करेक्ट है ना तो आप इसके आंसर्स को भी देखते जाइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं uh, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट राइट टू प्रिवेसी इज द फंडामेंटल राइट तो रिटायर्ड जस्टिस के एस पुटास्वामी का है, बार लोगों ने क्लास में किया भी हुआ है करेक्ट है जो थे, उसमें भी मैंने बताया था. कि टू मंथ्स का टाइम होता है प्रीसेप्ट ऑपरेशन में रहती है एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट करेक्ट बात है जहां पर जो जो कोर्ट जिसने डिग्री पास की है वो ट्रांसफरी कोर्ट को क्या कहता है आदेश देता है टू अटैच द प्रॉपर्टी वेन स्पेसिफिक वर्ड्स आर फॉलोड बाई जनरल वी Solve this question, MCQ के है? लेकिन उन्होंने मतलब क्या? Uh, so, मतलब क्या होगा एवरी वन ऑफ यू तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी चीज बताई हुई है कि ये आपका रूल ऑफ एसोसिएशन याद है ना आपका चाहे आप आप ले ले लो लो करेक्ट बात है या नोसिटर ये सब चीजें क्या मानी जाती हैं ये सब आपके रूल्स ऑफ एसोसिएशन माने जाते हैं यानी कि हम अगाड़ा और पिछाड़ा देखकर डिटरमाइन करते हैं दैट इज नोसिटर बाकी ये जो चीज है वो आपका एग्जैक्टली एक्जैक्टली क्लियर अबाउट दैट ये भी चीज याद रखनी है नेक्स्ट

अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे द फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट और मैं इसको आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं वेन यू रीड ऑर्डर नंबर जब आप आप देखेंगे ऑर्डर नंबर नंबर के अंदर रूल फाइव जरा पढ़ के देखिए जस्ट लुक एट रूल नंबर फाइव सॉरी रूल नंबर रूल नंबर नंबर 14 उसमें एक लाइन आपको देखने को मिलेगी बहुत क्लियरली वो ऐसा बोल रही है फर्स्ट हिंग ऑर्डर टेन रूल टू मतलब वो क्या बोल रही है जब एग्जामिनेशन ऑर्डर टेन रूल टू में हो जाएगा उसके बाद हियरिंग शुरू होती है दैट मीन जब जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाता है तब होती है दिस इज दी आंसर

वो डिटरमाइन करने के बाद कोर्ट क्या करता है नाउ कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करता है टू सेटल इश्यूज तो आंसर विल बी द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्लियर सो याद रखिएगा आज के बाद भी कि राइट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट का मतलब क्या होता है द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज लेट्स मूव टू क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं

ये आपका है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो आपको क्वेश्चन ट्वेंटी टू का आंसर मिलेगा पहला करेक्ट है ये आपका ऑर्डर जो है वो फॉलो कर दिया जाएगा पहले का डी सेकेंड का प्रियम्शन का ए करेक्ट बात है डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन दैट इज गोइंग टू बी बी करेक्ट है एंड डिक्री फॉर पोजेशन सी चल नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं अट्रेस दैजट क्वाम पेरियट ये ओनाम ये पेरियट नहीं है एक्चुअली आपके एग्जामिनर ने भी ओनाम इज नॉट द करेक्ट वर्ड इट इज क्वाम पेरियट भी क्वाम वर्ड। आपके एग्जामिनर ने ओनाम उठाकर डाल दिया। करेक्ट है। है बट एक्चुअली अट्रेस आपको बताया दिस इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या माना जाता है, rule of reasonable construction जो है वो आप इसको मानते हो याद रखिएगा ठीक है ना नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं ए इज द डिग्री होल्डर एंड बी इज द जजमेंट डेटर बी टू का लोन फ्रॉम मे एट द टाइम इट वॉज द कंडीशन मैं अग्रीमेंट दैट ऑल मनी इज पेबल अंडर अ पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टाल बी लाइबल टू पे विल ऑल्सो बी लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ लोन अंडर अटैचमेंट करेक्ट बात है इसका आंसर आपका क्या होगा इसका आंसर आपका थ्री होना चाहिए अभी भी इसको लेकर इसको लेकर आई फील आई स्टिल वुड वॉन्ट टू गो थ्रू द प्रोसेस मोर लेकिन अभी के लिए आप इसको एक मेरा टेंटेटिव आंसर मान के चल सकते यू कैन कॉल दिस एज अ टेंटेटिव आंसर करेक्ट है वी आर ट्राइंग टू फिगर दिस पर्टिकुलर थिंग आउट हो सकता है आंसर की के अंतर्गत अगर ये आंसर मिलेगा तो अपन इसकी श्योरिटी रखेंगे इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सर्कल करके रखिएगा करेक्ट है राइट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू द पार्ट वेयर आई एम नॉट completely कॉन्फिडेंट सो दैट आपसे अगर मैं आपको सिर्फ सी टिक करा रहा हूँ और आप इसके बेसिस पर आंसर अपने गिन के चल रहे हो तो ये सही नहीं होगा प्लीज मेक श्योर इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कोई ट्वेंटी थ्री रह गया क्या एक मिनट रुके कोई क्वेश्चन रह गया क्या 23 मैंने करा अच्छा हां 23 को भी देख लो भाई ठीक है ना 23 के अंदर क्या बताया बहुत सिंपल डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल का सिद्धांत किस पे बेस्ड है रूल ऑफ इक्विटी और मैंने आप लोगों को यह भी बताया हुआ है कि स्टॉपल को आप कंपेयर करते हो सेक्शन नंबर 11 रेस जुडिकेटा के साथ और रेस जुडिकेटा का सिद्धांत पब्लिक पॉलिसी के ऊपर

ठीक है ना तेईस का जजमेंट से ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है करेट बात विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वेन इट कम्स टू रेफरेंस रेफरेंस आपकी कहां बताई गई है सेक्शन नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टीन रेड विथ ऑर्डर फोर्टी

हर साल एनुअल रेंट इंक्लूड होगा ये ये क्लॉज वन में बताया गया और मर्ज कर दिया जाएगा हर दस के। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्लॉज टू से पूछा गया था उन्होंने वहां ये लिखा है क्लॉज टू में लिखा है अगर कोई भी अग्रीमेंट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में आता है फाइव परसेंट एक्सेस रेंट का एक्सेस रेंट का तो वो वॉइड हो जाएगा अरे तो इसका इंटरप्रिटेशन तो यही हुआ ना कि पांच से कम का कोई भी अग्रीमेंट जो है वो तो आप कर सकते हो

करेक्ट इन आर रिलेटेड मैनर ये लाइन इज द डिसाइडिंग लाइन करेक्ट है अब बहुत सारे लोग इसका आंसर क्या लगाकर आएंगे मैं आपको बताता हूं इसके बहुत सारे लोग जो है वो कलरेबल लेजिस्लेशन लगाएंगे लेकिन कलरेबल लेजिस्लेशन आंसर नहीं होगा और मैं रीजनिंग बताता हूं व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली सो डू यू हैव द पावर टू मेक द लॉ फॉर योरसेल्फ यस यू हैव द पावर टू मेक द लॉ इन योर डोमेन आपके पास पावर है 245 आर्टिकल एंड 246 आर्टिकल दोनों को अगर आप गिन लो तो क्या वो आपको अश्योरेंस पावर देते हैं कि एक लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बना सकती है प्रोवाइडेड अगर वो लॉ जूरिस्डिक्शनल लिमिट में स्केड नंबर टू को देखकर स्केड्यूल नंबर सेवन के लिस्ट uh, टू uh, को देखकर बना रही हो करेक्ट है बिल्कुल बना सकती है तो वो उनके पास पावर तो है उन मैटर्स पर लॉ बनाने की और देखिएगा रिलेटेड मैनर पर अगर उन्होंने किसी दूसरे लेजिस्लेचर के स्कोप को अफेक्ट किया है तो वो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन वहां पर लगेगी ना कि डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्यों क्योंकि कलरेबल लेजिस्लेशन होती तो तुमको तो लॉ बनाने की ही पावर नहीं होती सर आर वी क्लियर अबाउट इट यू वुड नॉट है पावर टू मेक द लॉ आर वी क्लियर तो आंसर क्या होगा इसका बेटा ये तो एम्बाइबिंग एसेंस तो ये, ये तो फिलोसफी का प्रिंसिपल है ठीक है ना इम्बाइबिंग एसेंस कोई लॉ का मैक्सिम को लॉ की कोई डॉक्ट्री नहीं है ये फिलोसफी का नियम है फलतफा है करेक्ट बात है तो ये तो बिल्कुल उन्होंने आपसे मजे में पूछ लिया ठीक है ना तो आंसर क्या होगा इसका डॉक्ट्री ऑफ सेपरेशन इज गोइंग टू बी दी आंसर नेक्स्ट विच ऑफ इज नॉट करेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ टीपीए

अगर आपने किसी ओनर को एक्सक्लूसिवली एंजॉय करने के लिए कोई इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्ट किया है तो क्या वो उसे ट्रांसफर कर सकता है नहीं ही कैन नॉट ट्रांसफर लेकिन आंसर क्या लिखा हुआ है यहां कैन बी ट्रांसफर सो दिस इज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर यहां ये लिखा होता कैन नॉट बी ट्रांसफर अगर जो ओनर को इंटरेस्ट दिया गया है करेक्ट बात है वो और उसको बोला गया है कि इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है सिर्फ तुम्हें ही एंजॉय करना है तो कैन यू ट्रांसफर दैट नहीं लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है कर सकता है तो आंसर गलत हो गया करेक्ट बात है तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं सेक्शन ट्वेंटी अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था बोल रहे हैं under section 20, और आपको में आप ढूंढ लोगे ना आपको कहीं पे भी इसका आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा लेकिन कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर पक्का है आर बी क्लियर अबाउट है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट मीन प्रॉफिट डिनोट्स मीन प्रॉफिट डिनोट्स ठीक है ट्वेंटी सबसे बच्चों को पढ़ाया था या तो उसमें अगर आप 20 का सबसेक्शन तीन देखोगे तो वो क्लियरली कहता है कि अगर जिसके फेवर में एक सर्टिफिकेट दिया जा चुका है फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन मैं इसका रीजनिंग बता रहा हूं बेटा फिर इसका आंसर बताता हूं

कोर्ट के आदेश के बाद जब उसे हट जाना चाहिए था वो अभी भी टिका रहता है तो ये 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 आपसे क्या मांग रहे हैं

फर्स्ट डिग्री करेक्ट बात है जो ओरिजिनल से आती है तो दिस इज uh, सिर्फ डिग्री पर ही एप्लीकेबल होंगे ये आपका जो है ये सिर्फ ऑर्डर्स की बात करता है डिग्री के लिए जब ऑर्डर 41 और 42 रखे गए हैं तो ऑर्डर 43 क्यों इंक्लूड करेगा डिग्री को करेक्ट है और डिग्री और जब ऑर्डर 43 रखा गया है तो डिग्री क्यों इंक्लूड करेगी अब बच जाता था 45 एंड 47

ऑर्डर टेन के रूल टू में अगर ये लाइन देखोगे और उसमें भी क्लॉज ए और क्लॉज बी में डिवीजन है तो उन्होंने क्लॉज ए वाला पॉइंट देखेगा पहला वाला उसमें वो लिखते हैं द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज इज इल्यूसिडेटिंग द मैटर्स इन द कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट माइंड यू गाइज या मैं पचास तक क्वेश्चन लूंगा इसके बाद शाहबाज सर आ रहे हैं ठीक है ना ही ऑल्सो विल बी टेकिंग द क्वेश्चन नहीं तो सोचो आप लोग ऐसे बैठ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर अब अपीलेबल ऑर्डर के लिए आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था ऑर्डर फोर्टी थ्री की लिस्ट देखे बिना अगर आप एग्जाम में गए और आई एम कोटिंग माई सेल्फ मैं अपने आप को कोट कर रहा हूं अगर आप ये लिस्ट देखे बिना गए तो आपको क्या होगा शॉक लग सकता है लिस्ट से क्वेश्चन आते हैं आई आज यू स्पेसिफिकली टू टू लुक इन टू द लिस्ट एंड सी दे द क्वेश्चन देबल ऑर्डर करेक्ट है तो आपको याद रखना है ऑर्डर सिक्स रूल सेवनटीन क्लियर है ऑर्डर सिक्स रूल सेवनटीन जो है वो आपका क्या था अपीलेबल ऑर्डर नहीं था एक बात और आपने जो भी क्वेश्चन गलत किए हुए हैं ठीक है उसको लेकर परेशान मत हो जो होना है वो हो गया करेक्ट है बहुत सारे लोगों के आंसर्स गलत रहेंगे लॉर्ड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हताश या निराश हो जाओ आपका पर्पस ये होना चाहिए कि जो मैं गलत करके आऊँ उसे मैं ठीक करूँ दैट शुड बी और मोटिव यू शुड ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न आर क्लियर अबाउट अगर आप इसमें देखेंगे ऑर्डर तो बता रहा हूं सेक्शन नंबर फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी उठाकर इलस्टेशन देखना ठीक है ना इलस्टेशन है इस इलस्टेशन को थोड़ा सा भी किया हुआ है करेक्ट बात है इंश्योरेंस वाला एग्जाम्पल था वहां पर भी आर क्लियर अबाउट बस थोड़ा सा उन्होंने पार्टी के नाम बदल दिए और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया वहां पर भी इसी तरीके का एग्जाम्पल कि अगर रामलाल ने कोई मोटरसाइकिल परचेज की है और इंश्योरेंस ले ली देन ही सेम टू कास्ट अवे और उसने क्या किया इसके बाद में वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है with an intention of causing damages to the insurance company. He is letting the motorcycle go away ताकि क्या हो insurance company को damages हो यानी कि mischief के तहत वो क्या करने का प्रयास कर रहा है Basically अगर आप देखोगे किसी दूसरे व्यक्ति को एक annoyance, एक injury cause करने का प्रयास जो है वो कर रहा है Section 42, 425 में इसे क्या माना जाएगा mischief. And next

अब आप बोलोगे कि भैया सेंच्योअर पासड इन गुड फेथ तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक्सेप्शन नंबर सेवन में है ये वाला पॉइंट एक्सेप्शन सेवन में लेकिन दे देर वेरी स्मार्टली प्लेड समथिंग स्मार्टली प्ले किया क्या किया विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कम उन्होंने डाल दिया सेंच्योर पास इन गुड फेथ बाय द पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर इतना बोलते तो आंसर सही होता करेक्ट है लेकिन उन्होंने क्या डाल दिया सेंच्योर पास इन गुड फेथ बाय द पर्सन नॉट हैविंग फुल अथॉरिटी ओवर एन अदर तो आंसर क्या होगा फोर्थ विल बी दी करेक्ट आंसर नहीं तो यह क्या हो बनता एक्सेप्शन सेवंथ एक्सेप्शन बनता आर वी क्लियर अबाउट दैट कोई दिक्कत कोई डाउट नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं देर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन रमेश एंड सुरेश ओवर सम इशू

सेक्शन 57 का का सेक्शन नंबर फोर ऑफ जे एक्ट है वो क्लियर कट बताता है राइट right, कि अगर कोई भी सिंगल मेल जो है इज नॉट एलिजिबल नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड आपसे क्या पूछा था विच ऑफ द रोंग रोंग पूछा था क्लियर है तो सिंगल मेल कभी भी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है नहीं कर सकता करेक्ट है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट जो है कभी भी कॉम्पिटेंट होते हैं एवरी वन ऑफ यू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं अगर अपन इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन जो टू क्लॉज एच में देखते हैं वहीं पर ही क्लियर कट लिख दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर स्टेशन हाउस ऑफिसर कोई भी कर सकते हैं एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट हु इज मेजिस्ट्रेट हुईराइज मैजिस्ट्रेट बट डज नॉट इंक्लूड अ मैजिस्ट्रेट देन यू हैव क्वेश्चन नंबर अंडर थर्टी थ्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल ट्रायल रिगार्डिंग प्रोसिक्यूटर एंड आप इसमें एक एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, बिल्कुल में, दिया गया है में और आप उस एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो वो दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अगर कोई भी ट्रायल या कोई भी इंक्वायरी किसी व्यक्ति के बीच में होती है अंडर सेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन तो वो वो इंक्वायरी या ट्रायल क्या मानी जाएगी प्रोसीडिंग बिटवीन द द प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज आपको यहां पर सिर्फ एक वर्ड देखना था इतनी पंचायत तो देखनी भी नहीं थी अगर आप क्रिमिनल ट्रायल वर्ड देख लेते या यहां पर अगर इंक्वायरी देते तो आंसर क्या होता यही आंसर उन्होंने सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल वर्ड का इस्तेमाल किया था अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ा हुआ है तो क्या माना जाएगा इट इज अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड दूसरे

रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन फोर टू और सेक्शन सिक्स टू ऑफ रिपोर्ट कैसी होती है अगर आप सेक्शन सेवन का प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट देखोगे तो वहां पर पहले तो ये रिपोर्ट एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है लेकिन आपको इसको पढ़ना था प्रोवाइजो के भी साथ ये स्टेटमेंट तो है अगर कोई व्यक्ति जो है वो फोर टू या सिक्स टू की अक्यूज जो है वो डिमांड करता है ये रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट एक ने, नेचर की रिपोर्ट है सच रिपोर्ट इज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑल दोट कर सकता है accused, yes, अगला राम स्वरूप इस चार्ज एंड कन्विक्टेड फॉर दी गोल्डन चेन ऑफ सविता करेक्ट सीधा का सीधा सेक्शन नंबर थ्री हंड्रेड का इलस्ट्रेशन से उठाया गया क्वेश्चन है

तो अगर आप कल ये बोलोगे कि बेरेक के बाहर पूछा है नहीं पूछा है बेरैक के बाहर बेरैक के अंदर ही पूछ रहे हैं बट दे जस्ट हैव मेड श्योर कि जो पार्ट लोग निग्लेक्ट करते हैं उन पार्ट से उन्होंने उठाकर क्वेश्चन पूछे हैं। और नाम वाम क्लियर है तो अगर रामस्वरूप को चार्ज किया जाता है कन्विक्टेड फॉर थे क्या इस व्यक्ति को सब्सिक्वेंटली चार्ज किया जा सकता है अंडर सेक्शन नंबर थ्री हंड्रेड फॉर यस ठीक है राइट यहां पर ये वाला पार्ट जो है वो गलत हो जाता है बट शाल बी एक्विटेड विदाउट ट्रायल अरे नहीं भैया ये आंसर गलत है नेक्स्ट इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स अंडर इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट मैंने बताया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स कुड बी बाय वे ऑफ फ्री और अदरवाइज दोनों तरीके से किए जा सकते हैं ये भी आंसर आपको दिमाग में रहना चाहिए ठीक है अगला क्वेश्चन आता है हमारा फोर्टी एट विच ऑफ दस कैन नॉट बी ट्राइड समेरली अंडर द प्रोविजन ऑफ

इवन चार सौ चौदह भी मैं लेकिन डिफरेंस क्या है फिगर का यहां पर अगर फिगर दो सौ रुपए से कम होता यानी कि शाल नॉट एक्सीड तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता बट ये स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है अमाउंट ऑफ दी प्रॉपर्टी जिसकी आपको समरी यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका क्या होना चाहिए था दो हजार रुपए से कम का होना चाहिए सॉरी दो सौ रुपए से कम का होना चाहिए था तो, तो कोई बात क्लियर नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस तो सीधी सी चीज है मैरिड डॉटर हु हैज अटेंड मेजॉरिटी अगर हम सेक्शन नंबर 125 का क्लॉज नंबर सी देखेंगे तो क्लियर कट बोलता है बीट लेजिटिमेट चाइल्ड और बीट इललेजिटिमेट चाइल्ड बट इललेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर करेक्ट है और तो अगर मैरिड डॉटर हैज अटेंड मेजॉरिटी एंड बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ देन कैन शी फाइल मेंटेनेंस कैन शी क्लेम मेंटेनेंस आंसर इज नो शी कैन नॉट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड इसके बाद में शाहबाज सर जो है वो आने वाले हैं करेक्ट है इसके बाद में शाहबाज सर आएंगे इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट

तो क्या उसको ऑफेंस के लिए पनिश नहीं करेंगे करेंगे बट कौन से ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट कमिट है? बात तो आपका क्या हो जाएगा? कोई of. कोई दिक्कत कोई so I hope, uh, मेरे आंसर्स जो विथ रीजनिंग आपको, आपको चीजें जो हैं वो समझ में आई होंगी अब इसके बाद में शाबाश सर आ रहे हैं सो प्लीज मेक श्योर कि आप यहां पर भी जाएं और यहां पर भी जाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व जो है वो जरूर करें।

चले गाइस राइट बेटा अभी आपको कट ऑफ बताएंगे अभी शाबाद सर आपको कट ऑफ बताएंगे ठीक है ना बट पहले सर इज गोइंग टू एनालाइज द पेपर हम लोग कट ऑफ का भी सेशन लेकर आने वाले ठीक है ना कंचन तो मेक श्योर की आप वहां पर रहे ठीक है हेलो हेलो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून एंड हेलो कैसे हैं सभी उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने बहुत अच्छा एग्जाम किया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे मेंस भी क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू तक पहुंचोगे और सबसे पहले थैंक यू विशाल सर को विशाल सर ने बहुत अच्छा एनालिसिस कराया फिफ्टी क्वेश्चन का बचे हुए 50 क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पे फटाफट आंसर की हम लोग बताते हैं आपको आ, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज्यादा थक गए तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा हेलो कंचन और हेलो एवरीवन वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा रीजनिंग उसके पीछे लंबा ना करने की क्योंकि आप लोग भी दिन भर के थके थकाए आए मैं जानता हूं तो जल्दी जल्दी आपको फटाफट आंसर बताता हूं और उम्मीद है क्योंकि थोड़ा सा लेट हम लोग ने वीडियो इसलिए लेके आए हैं अपनी क्योंकि हम लोग ने आंसर को बहुत एनालिसिस किया अब आप लोगों को वो बाद में देखना है कि आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि आंसर मोस्ट ऑफ दी मतलब जितने टेंट आपके आंसर है सारे के सारे मोस्ट ऑफ दी आंसर करेक्ट होंगे एक आध ऊपर नीचे होगा तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा अगर आपको लगता है कोई आंसर ऊपर नीचे है तो यू कैन मैसेज अस ठीक है हम आपको उसका करेक्ट अगर कोई चीज ऐसी निकल के आएगी तो उसका करेक्शन भी हम आपको डेफिनेटली बताएंगे तो चलिए नहीं क्लास बिटवीन द ऑफ नहीं हुई है आप लोग दोबारा उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा क्लास ऑफ नहीं हुई है रिफ्रेश कर लीजिए जो लोग जिनको लग रहा है क्लास ऑफ हो गई है क्लास ऑफ नहीं हुए प्लीज रिफ्रेश इट ठीक है रिफ्रेश कर लीजिएगा चलिए क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले फटाफट -फड़ एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके और एक एक क्वेश्चन का अपना आंसर देखते हैं कहता है विच ऑफ द कमीशन दियर ऑफ वुड बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ दबली असेंबली के बारे में आपको बताया गया आईपीसी का आईपीसी का क्वेश्चन था असेंबली के बारे में बताया गया कहता है कौन सा असेंबली के अधीन नहीं आता कौन सा अनलॉफुल असेंबली नहीं है तो अगर आपने आईपीसी पढ़ाया तो आपको बता होगा वन फोर्टी वन में पांच प्रकार से अनलॉफुल असेंबली क्रिएट होती है जिसमें से कमेटा चीटिंग इज नॉट आंसर ठीक है ये आपका सही आंसर आएगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है क्वेश्चन वन इट इज फोर ठीक है पहला क्वेश्चन फिफ्टी वन का फोर हो जाएगा क्योंकि आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था एक और क्वेश्चन है चेतन works in a similar office. चेतन एंड विजेता प्रोमिसरी नोट देखो उसको प्रोमिसरी नोट मिलता है ठीक है नोट बिलोंगिंग टू विजेता विजेता बियरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट चेतन चेतना नोट विजेता ठीक है नॉट बिलोन्स टू विजेता प्लेज इट विद अ बैंकर एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन इंटेंडिंग फॉर द फ्यूचर टू रिस्टोर इट टू द विजेता विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फिफ्टी है इसका आंसर होगा बी ये आपने सेक्शन 403 में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का इन्होंने ऑफेंस किया किया है कौन सा ऑफेंस किया है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का इन्होंने यहां पे क्या किया है अपराध किया है। तो आपको ये भी आंसर देखना चाहिए था चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ अ प्राइवेट पर्सन अरे भैया बड़ा ईजी है प्राइवेट पर्सन कब किसको गिरफ्तार कर सकता है सेक्शन आई थिंक फोर्टी आपकी सीआरपीसी uh, की थ्री फोर्टी फोर प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है तो आई थिंक ये 43 है, इसमें दो सिचुएशन आपको दी गई जिनके तहत वो अरेस्ट कर सकता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एंड द राइट आंसर ऑफ दिस इज सी जब अपराध नॉन अवेलेबल होता है कॉग्निजेबल हाँ, एक और यहाँ पे था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी कर सकता था लेकिन यहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में जिक्र नहीं किया है तो आप यहाँ पे आंसर कौन सा लगा सकते हो थर्ड थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आपको आंसर देखने को मिलता है अब एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है केस लॉ पूछा गया 498 से अब ये 498 का जो केस पूछा गया ये सेवन ईयर वाला ये नया इंपॉर्टेंट केस है और इसका आंसर आपका 54 का आंसर आपका बैठेगा इट इज थी चरण सिंह वर्ष स्टेट ऑफ उत्तर उत्तराखंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड तो इसका आंसर क्या लगाना है 40 54 का आंसर आपको थ्री लगाना है ठीक है हाँ कोई अगर 43 है ना हाँ कोई अगर आंसर में डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिएगा अरे कोई दिक्कत नहीं चेतन अपन सीखेंगे ना देखो बहुत सारी चीज अपन को सीखने को भी मिलेंगी अब क्वेश्चन की तरफ ये वाला मैंने आपको बता चलते हैं तो जेजे -जे एक्ट में एक आपको डेफिनेशन पूछी गई है सीधा सीधा डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन आफ्टर केयर का मतलब क्या होता है आफ्टर स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन दी गई है तो आफ्टर केयर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अठारह साल का हो जाता है लेकिन वो इक्कीस साल का नहीं होता किसी व्यक्ति को 18 से 21 साल तक जहां रखा जाता है उसे आफ्टर केयर बोलते हैं इसके पहले उसे चाइल्ड होम ऑब्जर्वेशन होम अन्य अन्य जगह पर रखा जा सकता था चलिए कोई दिक्कत नहीं जो भी है आप उनको एक बार देखिएगा इसका आंसर मोस्ट प्रॉबल इसका आंसर सॉरी मोस्ट प्रॉबल क्या सही आंसर इसका आपका थर्ड होगा

देखिएगा ओनर अकेला नहीं होता बल्कि तो हो क्योंकि तो जो जो आप लोग देखते हो कि प्रॉपर्टी किसी के पास भी हो सकती थी लेकिन लेकिन ठीक है नॉट कौन सा फिफ्टी सिक्स ठीक है फिफ्टी सिक्स तो भैया कौन सा नहीं है इसमें तो इसमें जो नहीं है वो डायरेक्टली अगर चलते क्योंकि ये आंसर आधा सही है देखो अगर पोजीशन देखते हैं तो ये सही है ओनर अगर देखते हैं तो गलत है लेकिन ये आंसर पूरा का पूरा गलत है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाएंगे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको इसका फोर्थ देखने को मिलेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है हरिओम वाला एग्जाम्पल था जुर्माने से संबंधित था अगर भैया वो व्यक्ति मर जाता है ठीक है इसमें सीधा सीधा था एक व्यक्ति था हरिओम हरिओम ने क्या किया कोई अपराध किया है ठीक है और उसके तहत उसे क्या किया जुर्माना मिला है और जुर्माना ना देने पर पांच सौ का जुर्माना था जुर्माना ना देने पर उसे एक महीने तक का इम्प्रिजमेंट दिया गया था लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्रेजमेंट जब वो दो साल का इम्प्रेजमेंट भोग रहा था उस समय वो बीमार हो जाता और बीमारी की वजह से उसकी हो जाती है डेथ तो अब प्रश्न आता है और उसके पास केवल एक मकान ही था तो क्या उसका फाइन माफ कर दिया जाएगा या नहीं तो याद रखिए फाइन कभी माफ नहीं किया जाता

पिछली बार हमने जब आपको कट ऑफ कराई थी तो बिल्कुल, कट थी। तो कट का सेशन के लिए बिल्कुल परेशान मत हुई कट ऑफ का सेशन भी आज ही होगा को नौ बजे डिटेल, ठीक है? अभी हम लोग जल्दी जल्दी में कट ऑफ का सेशन नहीं लेके आ रहे मैं पूरा के साथ आपको बताऊंगा कट ऑफ कितनी जा सकती है जिसके लिए आपके लिए ईजी होगा कि आप मेन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओ ठीक है तो रात को साढ़े नौ बजे कट ऑफ भी बताने वाले उस सेशन को भी आप लोग जरूर देखिएगा चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया अब आते नंबर 58 की तरफ

एक साल में इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए इसका आंसर फर्स्ट आंसर इसका सही बैठेगा इसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का बढ़िया इजी क्वेश्चंस थे माइनर से भी काफी क्वेश्चंस आए हैं केस लॉ भी आए हैं सीपीसी से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले हैं इस बार आगे आ गया जाते हैं द ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग कंडक्टेड इन कैमरा अब कैमरा जो ट्रायल होता है

इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने गलत किया होगा मैं आप लोगों से एक बार जल्दी से पूछ लेता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ने क्या लगाया क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया क्योंकि तो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने इस आंसर को गलत किया और बहुत टीचर्स ने भी इसके आंसर को गलत किया है तो मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को देखिएगा क्या यह क्वेश्चन परमिसेबल होगा या नहीं होगा इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए मैं आपसे जनरली आंसर नहीं पूछ रहा हूं लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर क्या लगाया तो प्लीज इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए सिक्सटी क्वेश्चन का क्या ये परमिसेबल होगा तो बिल्कुल ये परमिसेबल होगा बहुत से लोग कहेंगे परमिसेबल नहीं होगा देखिएगा जहां बात आती है किसकी कंसेंट की तो कंसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अलाउ होते हैं लेकिन अगर बात आती है कैरेक्टर की कैरेक्टर की तो ये क्वेश्चन अलाउ नहीं होते हैं ठीक है तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए ए आएगा क्योंकि कंसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेकिन कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप किसी व्यक्ति से महिला से नहीं पूछ सकते ठीक है जिसमें सेक्सुअल ठीक बारे में इसके बाद आप 94। 94 में तो आपको चीजें पता होंगी देखिए और सेम अथॉरिटी सर्च वारंट जारी कर सकती है जो होगा डीएम और जीएमएफसी जो मैंने आपको बार बार ये क्वेश्चन बताया हुआ है ठीक है और तीनों सेक्शन में आपकी सेम अथॉरिटी आपको देखने को मिलती है चाहे 94 फोर हो नाइनटी सेवन हो चाहे

टू तक कैंसिल कैंसिल जब वो नहीं हो जाता है और एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है सीधा सीधा आपको सेवेंटी सेक्शन में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एक होता है ऑफ़ अरेस्ट और एक होता है नॉन बेलेबल वॉरेंट ऑफ अरेस्ट ये आप इसके आंसर देखेंगे इसके बाद हम जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर

इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बैठेगा सेकंड बैठेगा इसके बाद चलते हैं, जल्दी जल्दी लॉ के क्वेश्चन करके हिंदी-इंग्लिश बताता हूं जुडिशियल कस्टडी में रखा डिक्लेयर एज अ जेल जिसको जेल के रूप में डिक्लेयर किया गया 65. तो क्या पूछा गया है इसको जेल के रूप में डिक्लेयर कर दिएमस्टेंस स्पेशल स्टेंसिस के अधीन आगे, आगे बोल रहा है

Armed forces, क्योंकि बाहर आर्म्ड फोर्सेस थी एंड कमीशन ऑफ मदर वो जगदीश अगर कमीशन ऑफ अगर कोई अंदर इंटर ही नहीं हो सकता था तो सुरेश और रमेश के अलावा कोई वो करी नहीं सकता था इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन इलेवन में इसको रेलिवेंट कर सकते हो हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबिलिटी आप बोलते ना कि हाईली इम्प्रोहबल है यानप्रोबेबल ऑफिशियल uh, कब तक आएगी कंसन uh, ऑफिशियल की देखो एक आध दिन में आ सकती है

डायरेक्टर में मींस में क्या होगा पार्टनरशिप फर्म ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 थाउजेंड ट्वेल्व मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज द के बी शेड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट स्पोकन तो भैया बच्चों के स्टेटमेंट कहा रिकॉर्ड किए जाएंगे तो बच्चों के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं ज दामनेर्सन parents, parents के, के सामने या जो भी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंशियल वगैरह रहता है उनके सामने ठीक है देखिएगा पेपर जो प्राइव ऑफ एजिया पेपर देखने आया और बच्चों से जो बात की है, पेपर थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते लेकिन पेपर लेंथी था और हाँ मॉडरेट टू हाई के लेवल था इस पेपर को बहुत ज्यादा इजी नहीं कहा जा सकता कुछ लोग होंगे

ट्रायल ऑफ मर्डर कमिटी इन जयपुर एंड इनविडेंटली कंडक्टेड बाई द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दौसा द एन कन्विक्टेड विच ऑफ दया ये मामला करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन तो आ जाता, में, प्लेस में ट्रायल होता है तो फोर भी आप इसके संबंध में पढ़ते हो तो कहता है अगर ट्रायल रॉन्ग प्लेस में हो जाता है तो अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तभी मामले को हम क्या करते हैं क्वाश करते हैं अदरवाइज मामला क्वाश नहीं किया जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इट इज सिक्स का क्या है बी है ना सर कौन सा था ये 69. So, ये क्वेश्चन सो वाला सच बी ओनली जब वो ऑफ जस्टिस होगा तभी होगा अच्छा कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं एक बार जल्दी से बता दीजिएगा क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया हमने हाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया हाँ शायद 462 ही है शायद आई एम सेक्शन में कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा

तो यहाँ पे आपको आंसर आता है जो शक्तियां किसके पास होती हैं जो होती है सिविल कोर्ट के पास शक्तियां होती है ठीक है कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है चलिए अब हम चलते हैं जीके इंग्लिश जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों में देखिए लॉ के क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं लेकिन जब आता है जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ सॉरी जीके इंग्लिश हिंदी इन क्वेश्चन की तरफ बात आती तो है तो भैया कंफ्यूजन थोड़ा सा कंफ्यूजन लेवल हमारा बढ़ जाता है खैर सिक्सटी छोड़ा है क्या हमने चलो एक बार सिक्सटी एक बार देख लेते हैं सिक्सटी टू आप कह रही हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सिक्सटी टू अगर छूटा होगा तो अब क्योंकि सीक्वेंस में तो नहीं है ये पेपर से ही करा रहा हूँ ये करा दिया था सिक्सटी टू कैसा होगा ऑर्डर फॉर for... ठीक है सिक्सटी टू अगर छूटा भी है तो सिक्सटी टू का आप आंसर क्या लिख सकते हो सिक्सटी टू का आप आंसर डाल दीजिएगा इट इज थ्री थर्ड होगा इसका ठीक है कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल कॉग्निजेबल लो अब चलिए हम जीके और इसके आंसर चलते हैं मेन चलिए अशुद्ध शब्द है इनमें अशुद्ध क्या है चलिए पहले का आंसर बताएंगे अशुद्ध शब्द बताना है अपन को शुद्ध नहीं अशुद्ध चलिए अशुद्ध को लेके और ये आंसर की बहुत हद तक देखिए हम लोग इंग्लिश और जीके की इंग्लिश और हिंदी की टीचर तो नहीं है लेकिन हम लोग ने जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी बहुत सहायता ली है और जो भी हमारे रेलिवेंट जो भी एक्सपर्ट है सब्जेक्ट की उनकी सहायता लेके कुछ अपनी से जो भी हम लोग को जितनी इंग्लिश आती है हिंदी आती है इनको बहुत हद तक करेक्ट बनाया गया तो आप इनको देखिएगा ठीक है कहता है पहला अशुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है इसको देखो अशुद्ध शब्द अभ्यर्थी जो शब्द है इसमें अशुद्ध है तो 71 का आंसर क्या होगा फर्स्ट 72 का आंसर क्या है परिभाजकता की दृष्टिकोण से सुमिलित नहीं है कौन सा नहीं है विधिपूर्ण विधिपूर्ण का जो सही ऐसे वैलिडेट नहीं लिखा जाता है ठीक है इसके बाद तो 72 का क्या हो जाएगा इट इज 3 इसके बाद अपने आप को स्वयं मारने वाला बात वा, हेतु शब्द है भैया अपने आप को स्वयं को मारना तो कुछ लोग बता रहे हैं आत्मघाती होता आत्म तो जब दूसरों को मारते हो, सीधा -सीधा है आत्महत्या मतलब होता है आत्महत्या मतलब थ्री का, मतलब का मतलब आंसर क्या हो जाएगा इट इज सेकेंड आगे संज्ञा से बनने वाला क्रिया रूप नहीं है कौन सा संज्ञा से बनने वाला क्रिया रूप नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर वो नहीं है वो है अपनाना ठीक है इसको लेके बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा आ, बोल सकते हो सेकंड ऑप्शन को लेके और फोर्थ ऑप्शन को लेके एक डाउट था लेकिन जो बेस्ट आंसर है जो हमारे एक्सपोर्ट ने बताया है दैट इज सेवेंटी का इट इज टू ठीक है क्या होगा इसका आंसर सेवेंटी का टू इसके बाद तत्सम शब्द नहीं है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है सेवनटी का इट इज थ्री चीता जो ती चीता है ये तत्सम शब्द नहीं है बाकी सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द की कैटेगरी में आ जाएंगे 75 आगे आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कहता है बहुवचन में यथावक प्रयोग हुए उपरुक्त शब्द का विकल्प है क्वेश्चन नंबर इट इज प्राण बाकी जितने हैं ये सिंगुलर फॉर्म में हैं और ये प्लूलर फॉर्म में है तो इसका आंसर क्या होगा इट इज का उपरुक्त उपरुक्त विलोमता वाला विकल्प नहीं है कौन सा विलोमता वाला विकल्प नहीं है बाकी सब विलोम शब्द है तो देखिए कौन सा विलोमता वाला शब्द नहीं है अभी ठीक है इट इज सी सेवेंटी सेवन का क्या हो जाएगा इट इज सी सी इज अ राइट आंसर आप लोग अपने आंसर मैच करते आइएगा अब अभिज्ञ का मतलब क्या होता है अनभिज्ञ अनभिज्ञ अभिज्ञ का मतलब नहीं होता है, होता है ठीक है ये वाला इसके बाद किस प्रकार के शब्द सभी शब्द पुरलिंग है मतलब कौन से भैया सभी के सभी शब्द पुरलिंग है क्योंकि बाकी तो स्त्रीलिंग है तो एक कौन कौन से शब्द सारे के सारे पुरलिंग है तो ये है गुलाब सेब शरबत ये सारे के सारे पुरलिंग है और बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग के अधीन आ जाएंगे हो गए सेवेंटी एट अब आ जाइए सेवेंटी नाइन की तरफ सेवेंटी नाइन क्या कह रहा है आपसे सेवन कह रहा है इन से निर्मित शब्द नहीं है कौन सा शब्द नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन एंड द राइट आंसर इज प्रवीण राइट आंसर right शुद्ध वाक्य है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा अब देखिएगा इसमें ऑप्शन टू और ऑप्शन फोर में थोड़ा सा डिस्प्यूट है ठीक है देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन ऑप्शन टू एंड ऑप्शन फोर ठीक है देश की सर्व शांति है पुस्तक ठीक है लेकिन फिर भी अगर हम देखें शुद्ध वाक्य तरफ तो ज्यादातर अगर अपन देखें तो टू को ज्यादा सही माना जा रहा है ठीक है ये एक टेंटेटिव है टेंटेटिव है आप एक बार देखिएगा टू और मैंने आपको फिर भी बताया टू और फोर में थोड़ा सा डिस्प्यूट है आंसर की में देखना पड़ेगा कौन सी आंसर की को ज्यादा ठीक मानते हैं वैसे ज्यादातर लोग टू को आप मान रहे हैं लेकिन फोर भी हो सकता है इसका आंसर इसके बाद विश्व आदि बोधक चिन्ह के अशुद्ध प्रयोग वाला शब्द है क्वेश्चन नंबर एट्टी एट्टी वन का आंसर क्या होगा इट इज क्या होगा अशुद्ध प्रयोग करने वाला शब्द भगवान तुम्हारा भला करे ये शब्द सही नहीं है इसके बाद अनूप सर्व से निर्मित शब्द नहीं है अनूप सर्ग से कौन सा निर्मित नहीं है दैट इज अनुपस्थिति आपसे अनु उपसर्ग से आपका बना हुआ शब्द एट्टी थ्री दाल में कुछ गिर जाना क्या होता है भैया किस प्रकार का वाक्य है यह अनिश अनिश्चायक वाचक मतलब कुछ गिर गया ना मतलब बोल रहा ना कि दाल में कुछ गिर जाना अब कुछ का तो पता ही नहीं है 15 के 15 के 15 हाँ पंद्रह की हिंदी पंद्रह की आपकी इंग्लिश होगी आगे चलते हैं अब व्यंजन संधि से निर्मित शब्द रूप नहीं है व्यंजन से शब्द रूप नहीं है कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर दो केवल आपके हिंदी के बचे हुए हैं इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन और करा देता हूं तो भैया क्वेश्चन नंबर 84 के अगर हम आंसर की तरफ चलते हैं तो 84 का आंसर आएगा 84 इट इज डी ठीक है 85 दमड़ी में सुर्द सवा मन मलिदा

87. करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन आई डैश आई डैश पनिश यू इफ यू डोंट बिलीव ये थ्रेड कर रहा है डरा रहा है आपको ठीक है अब डराने में क्या करोगे मैं यूज करोगे मैं तो एक प्रकार से भिक्षा जैसा हो जाता विल तो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है मैं तुम्हें तो दंडित करूंगा आई विल पनिश

दा और जीरो मतलब कौन सा आर्टिकल यहाँ पे लगाया जाएगा तो आर्टिकल ए ए आर्टिकल यहाँ पे यूज किया जाएगा कुछ लोगों ने एन लगा दिया एन गलत होगा ए आएगा इसके बाद इम्पीचेबल का मतलब क्या होता है का जो आपका मतलब आता है दैट इज बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और बहुत जगह यूज भी होता है दैट इज फ्लोलेस क्या होता है फ्लॉलेस मतलब आएगा इसके बाद इन ब्लैंक्स विद अ विदेबल आर्टिकल डिटरमाइन ठीक है और डिटरमाइनर क्या होगा भैया आर्टिकल और डिटरमाइनर कौन सा लगाएगा डैश

इन फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड अब भैया जब आपको किसी वर्ड एक सिटी को आपको डिनोट करना है तो यहाँ पे कैसे डिनोट करोगे तो 93 के लिए आप यूज करोगे दा. ठीक है जब किसी की ब्यूटी को डिनोट करना है तो इट इज डा नाउन ठीक है यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल के की फिर तो इसके बाद एंटोनेम ऑफ द प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट का एंटोनेम क्या आएगा क्वेश्चन तो नाइन्टी में नाइन्टी में क्या आएगा नाइनटी में इट इज नाइन्टी का आंसर क्या आएगा इट इज इट इज इट इज इट इज थ्री सॉरी प्रोस्पेक्ट का क्या आ जाएगा का क्या आएगा इट इज रेस्ट्रोपेक्टिव प्रोस्पेक्टिव रेस्ट्रोपेक्टिव आप तो लॉ में इतना वर्ड ये पढ़ चुके हैं प्रोस्पेक्टिव होगा लॉ का ऑपरेशन होगा आगे. Correct, uh, बताना है, 95 को लेकर uh, दे, दे रूट बाय ट्यूजे क्वेश्चन आंसर आएगा इट इज टू विल है राइट आंसर

ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ right अब सेंटेंस क्वेश्चन करेंगे आंसर की का और जब आंसर की आएगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा भी बढ़ेगा और ये भरोसा मैं इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि तो जो हमने आपको आंसर की प्रोवाइड की है मोस्ट एक्यूरेट सबसे ज्यादा आप देखोगे लास्ट में के सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट आंसर की मिलेगी वो हमारी मिलेगी मैं इसलिए कहता हूं आपसे आप समय के साथ देखिएगा कभी कभी चैनल में कोई कोई 12 बजे लाइव चला गया कोई कोई एक बजे लाइव किया हम तीन साढ़े तीन चार बजे लाइव इसलिए आए क्योंकि तो हम नहीं चाहते हम आपको आंसर की गलत दे हमारी टीम की यही पूरी की पूरी हो, होता है क्योंकि व्यक्ति लाइव इसलिए भी जाता है और जल्दी क्योंकि उसको लगता है व्यूज खींच ले व्यूज के चक्कर है तो आप देखिएगा आप देखेंगे आप लोग बहुत सारे मेरे चैनल का नाम नहीं लेता लेकिन बहुत सारे बताई ले है, ये जो आंसर की है ये करेक्ट आंसर की। लेकिन जल्दी जाने का मतलब आप, 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 आप जाके देखिएगा तो भैया मैं आपसे कहूंगा अगर आंसर गलत दे तो भ्रमित मत होइए ऑफिशियल आंसर की आएगी मैच करिएगा ये आंसर की करेक्ट होगी और दूसरी चीज

जल्दी में एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है तो आपसे कहूंगा रात को साढ़े नौ बजे आइएगा और एमपी की आपने कट कट ऑफ क्योंकि एज इट इज एक हर कैटेगरी की सेम गई थी तो आज कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी सही कट ऑफ बताने की उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों का शेयर भी करें ठीक है उन तक भी ये शेयर करें कि ऑफिशियल आंसर को देखें उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा हैव अ गुड डे टेक केयर एंड बाय बाय